क्या आपको डायरिया है? क्या आप डायरिया की समस्या से जूझ रहे हो? या आपके फैमिली मेंबर किसी को भी डायरिया है? क्या आपको पहले कभी डायरिया हो चुका था? तो दोस्तों, आपके लिए ही ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको डायरिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आर्य, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डायरिया होता क्या है, डायरिया के कॉज क्या होते हैं, डायरिया में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और डायरिया की होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरिया होता क्या है। तो डायरिया आपको दोस्तों, जब आप मल त्यागने के लिए जाते हो तो आपको बार बार पतले पतले दस्त आते हैं, पानी की तरह दस्त आते हैं, तो इसे कहते हैं डायरिया। और इसके कारण अब हम जानेंगे। तो इसके कारण में होते हैं, आपको डायरिया तब होता है जब आपको किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तब, और जब आप इन्फेक्टेड फूड बॉर्डर को यूज़ कर लेते हो तब, और जब आप सड़ी गली सब्जियाँ खाते हो, नॉनवेज अधिक मात्रा में खा लेते हो, जब आप एलोपैथी मेडिसिन या कौन सी मेडिसिन को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खा लेते हैं, अधिक पावर में खा लेते हो, तब आपको डायरिया होता है। और डायरिया आपको तब भी होता है जब आपको किसी भी फूड से एलर्जी होती है और उसी फूड को आप बार बार खाते हो और अधिक मात्रा में खा लेते हो, तब होता है। और डायरिया आपको तब भी होता है दोस्तों, जब आप एल्कोहल का यूज़ ज़्यादा मात्रा में कर लेते हो। और डायरिया आपको तब भी होता है जब आप किसी पेट की शिकायत हो, पेट की डिसीज़ हो, साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तब भी आपको डायरिया हो सकता है। इसके अतिरिक्त डायरिया आपको तब भी होता है जब आप मेंटल आपकी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप एंगर या फिर शॉक हो, फियर हो, तो कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो, तब भी आपको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपको डायरिया होता है। तो ये सब डायरिया के कॉज थे। अब हम इसकी सिम्टम्स को जानते हैं कि डायरिया में आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो आपको इसमें सिम्टम्स आता है कि आपके पेट बहुत ज़्यादा आपको फूला फूला महसूस होता है। इसके अलावा आपके पेट में आपको दर्द होता है, आपके पेट में बहुत दर्द होता है, आपकी जीभ में मेल जमा हो जाता है, जिसके कारण जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो आपकी सांसों से बदबू आती है। इसके अलावा दोस्तों, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आपको सुस्ती सी होती है, वीकनेस होती है, टायर्डनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, आप आराम करते हो तब भी आपको आराम नहीं मिलता, क्योंकि आपको बार बार पतले पतले पानी की तरह दस्त आते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स आते हैं आपको डायरिया में। अब दोस्तों, आगे हम जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। वो होम्योपैथी मेडिसिन जो कि बहुत ही बेस्ट वर्क करती है, तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक L130। इस मेडिसिन को आपको तब लेना है दोस्तों जब आपको डायरिया हो रहा है, वो भी गर्मी के मौसम में हो रहा हो और आपको बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर महसूस कर रहे हो। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लग रही हो और आप जब पानी पीते हो तो आप सिप सिप में पीते हो, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके पी ही पाते हो, ज़्यादा आपको पानी पिलाया नहीं जाता है। और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, गर्मी लगती है, आपके पेट में जलन होती है, तो इस कंडीशन में आप लीजिए आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को एक दिन में दो बार सुबह और शाम इसकी चार चार गोली, तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है हमारी पेप्टीसिया 30। इस मेडिसिन को आपको तब लेना है जब आपको इन्फेक्टेड दूषित पानी पीने के कारण डायरिया हो जाए, तब आप लीजिए पेप्टीसिया 30 को एक दिन में दो बार सुबह और शाम इसकी चार चार गोली को, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देती है आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।